जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के लिए एग्जाम सेट नंबर हम लोग का 22 आ चुका है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको विथ फुल डिस्कशन। देखिए पहला रीजनिंग से हमारा है, तो देखिये पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या है यहाँ पे कि जैसे बोला क्या गया है इसमें कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ज्यादातर प्रयोग करते हैं, तो खगोल विज्ञानी क्या करते हैं, खगोल विज्ञानी क्या करते हैं, ये वेधशाला में प्रयोग करते हैं। आंसर करेगा क्या, राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 से 11, मतलब कितना आप बोल सकते हैं 5 × 2 = 10 और प्लस 1 = 11 हुआ, फिर 11 में आप 35 आ गया, तो यानी 11 + 33 कह सकते हैं, 33 और कितने 2, ठीक है, इसमें 1 ही निकले दो, इसमें 2, तो अब इसमें कितना से मल्टीपल करेंगे, इसमें करेंगे हम लोग दोस्तों 4 से, है ना, 4 से करेंगे और इसमें 3 इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, फिर इसमें करेंगे हम 5 से गुणा और 5 में इसमें 4 इंक्लूड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 719, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फिर नेक्स्ट रीजनिंग ही है, 59 से हमारा कितना आ गया 72, फिर 87, फिर 104, फिर आगे क्या आने वाली है, इसके बाद 144 आ गया है। देखिए तो कैसे ही बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे कितना का इंक्रीज हो रहा है, एक इसमें 13 का, फिर इसमें एक 15 का, फिर इसमें 17 का, फिर इसमें कितना 19 का इंक्रीज होगा, तो कितना बन जाएगा 123, आंसर बताएंगे, राइट आंसर डी बताइएगा। इसमें चिन्हों को परस्पर बदलना है आपको, ठीक है, ये ऑप्शन बेसिस पे है, आपको ऑप्शन एक उठाना है और ऑप्शन उठा के एक करके देखना है क्या वो आपका इक्वेशन सही हो रहा है या नहीं, तो आप इक्वेशन जो है ये बी नंबर सेक्शन जब उठाएंगे, मतलब कि प्लस को गुणा और गुणा को प्लस करिएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है इस विकल्प में बताना है कि आगे आने वाली कौन सी आकृति, बता दीजिए कौन सी आगे आने वाली आकृति है, तो आप देख रहेंगे कि जैसे कि ये जा रही इधर, फिर ये ऐसे, फिर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इसको थोड़ी सी मतलब कर्व किया गया है, जैसे ये ऐसे था ना, थोड़ी सी ऐसे घुमा दिया गया, ठीक, तो जस्ट ये घुमाई गई है, यानी कि ये कैसी होगी, ये कैसी होगी, जस्ट इसके सामने ऐसे थी, एकदम खरा वाला होगा, ना ये ना ये ना ये, आंसर बस एक ही दिखा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला बताइए, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, तो लेंस की आवर्धन क्षमता हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी, तो आपको पता है कि क्या होता है, लेंस की आवर्धन क्षमता बराबर होता है लेंस का इमेज अपॉन लेंस का ऑब्जेक्ट होता है, बस इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे। उससे पहले हमारे पास फोकस दे रखा है, इतना फोकस दूरी वाले अवतल लेंस और प्रतिबिंब इतना बन रहा है, तो हमें पहले फाइंड करना होगा कि यू क्या होगा, तभी तो यहाँ पे रख पाएंगे, यू मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई इमेज, तो आप समझ ही रहे हैं यहाँ पे मतलब भी, तो आइए निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको लेंस फॉर्मूला याद होगा, 1/f = 1/v - 1/u होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, हमारे पास f दे रखा है कितना, तो माइनस में 15, हमारे पास भी दे रखा है वो क्या है, माइनस में 7.5, हमें u फाइंड करना है, u के लिए 1/f = हो जाएगा 1/v - 1/u, इसका रखते हैं 1/-15 = 1/-7.5 - 1/u। अब 1/u को इधर हम निकाल लें, तो ये जो हमारा प्लस में उधर माइनस में चल जाएगा, यानी 1/15 और -1/7.5, इस 7.5 को आप हटा दोगे, ठीक है, ये हटा के यहाँ पे डेसिमल डाल दोगे 0। अब देखेंगे 75 और 15 कैल्शियम इजी आप ले सकते हो, है ना, 75, फिर ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 10, तो अब इसमें से घटा लोगे तो आनी आंसर यू की आ जाएगी, वो कितनी, यू आपकी आ जाएगी -15 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब यू जब निकल गया आपके पास -15, तो आप आवर्धन नहीं निकालोगे, क्या होता है भी ओपन यू, तो रखिए भी कितनी है, भी 7.5 है। चलिए एम इक्वल होता है मैग्नीफाइड, इसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो हमारे पास क्या होगा, भी कितना है माइनस में 7.5 है, अपॉन 15 आ जाएगा, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये डेसिमल को हटाइए यहाँ पे, अब काटिए से 25 × 6 = 150, 3 × 2 यानी कितना आ गया 1/2 आ गया, इसे हम पूरे डेसिमल में ब्रेक कर देंगे फ्रैक्शन से, तो कितना हो जाएगा 0.5, और 0 आप लगा सकते हैं,
देखिए कौन सा है ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। चलिए, कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं निम्नलिखित में से किसकी एक विशिष्ट श्रेणी है, किसकी एक विशिष्ट श्रेणी है, तो आंसर बताएंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं की है, आंसर सी करेक्ट बताइएगा। बताइए, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम को हमें व्यवस्थित करना है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले पोटेशियम आएगा, सबसे पहले तो के आएगा, ठीक है, पोटेशियम के बाद क्या होगा, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, है ना, ये होता है। तो आप देखेंगे पोटेशियम के बाद इसमें कौन सा दे रखा है, तो पोटेशियम के बाद कैल्शियम है नहीं इसमें, सोडियम है नहीं, मैग्नीशियम है नहीं, तो इसमें एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम रखेंगे, जस्ट एल्युमिनियम रखिए। इसके बाद क्या होगा, तो एल्युमिनियम के बाद आप बता देंगे दोस्तों, एल्युमिनियम के बाद लोहा को रखेंगे हम लोग, ठीक है, एफ ई, एफ ई के बाद कौन सा रहेगा, तो आप एफ ई के बाद बता दोगे, ए यू तो आपका सबसे लास्ट में रहेगा, पी बी होगा, ठीक है, जस्ट इसके बाद आएगा ए यू, है ना, तो आंसर क्या बना आपका, देखो देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ आपका। देखेंगे नेक्स्ट, कह रहा है कि एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से जो है अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, तो लेंस की क्षमता इसमें भी बतानी है दोस्तों, है ना, लेंस की आइए हम लोग इसमें भी निकालते हैं क्या हो जाएगी क्षमता, तो देखेंगे इसकी क्षमता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास फोकस दे रखा है 25, ठीक है, एफ दे रखा है 25, तो हमें पी निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन एफ लिखते हैं, तो 100 और एफ का वैल्यू 25, 25 काटिए, 25 चौका, यानी कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बताएंगे वो माइनस में 4 डी आ गया, राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी। क्यों बना ये दोस्तों, क्योंकि यह जो है अपसारित हो रही है ना, और अवतल लेंस से गुजरने, अवतल लेंस की बात है, तो इस कारण ये माइनस मनी का ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आधारित होती है और यह प्रणाली के मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है, तो यह प्रणाली कौन सी है, कौन सही है बताइएगा, तो आइए देख लेते हैं, या तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस नहीं, या तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस बिल्कुल नहीं होगा, एक दूसरे के लंबवत नहीं होगा, या तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, ये बिल्कुल सही होगा आपका, अवतल दर्पण मतलब ये हो जाएगा दोस्तों जो पीछे से कलाई, और उत्तल लेंस मतलब ये वाली हो जाएगी, है ना, तो ये करेक्ट होगा हमारा राइट आंसर, दोनों की नेचर लगभग सेम होती है। देखिएगा, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, तो वो कौन है, उनका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, आंसर सी बताएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे, एक विद्यार्थी तीन ओमीय चालक, चालकों जैसे ए, बी और सी के लिए जो है आई और भी के बीच जो है तीन ग्राफ खींचता है, वह पाता है कि इन तीनों ग्राफ की जो है प्रवणताएं क्रम से कितनी कितनी है, 0.5, 0.1, 0.2 है, यदि चालकों की लंबाई समान है तो उनकी अनुप्रस्थ काटों के क्षेत्रफल का अनुपात 1, 2 और 3 के रेशियो में है, तो उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात जो है पैरेलल ए, पैरेलल बी, पैरेलल सी डैश होगा, तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर होता है ये पैरेलल जो हमारे पास है लेंथ अपॉन एरिया होता है ना, ठीक है, या फिर ये भी तो बोल सकते हैं पैरेलल अपॉन एरिया, क्योंकि इक्वल है हमारा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और आर इक्वल तो फॉर्मूला ही होता है वी ओपन आई होता है, इसे हम 1/r लेते हैं दोस्तों, तो क्या 1i ओपन वी नहीं रहेगा, बिल्कुल हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तब देखेंगे, जब प्रवणता मतलब हम प्रवणता को क्या ले लेते हैं, यहाँ पे जो प्रवणता हमारा tan थीटा, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/r इक्वल हम लोग tan थीटा ले लेते हैं, ठीक। अब देखेंगे तो एरिया ओपन पर पे ये जो हमारा हो जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन से होगा पैरेलल, ठीक है, अभी हमारा पैरेलल ये डिफाइन करना चाहते हैं तो a ओपन tan थीटा होगा, ए ओपन टैन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए ओपन टैन थीटा जो क्या होगा नियत होगा, ठीक है। तब अब चालकों से निकालेंगे, यहाँ पे हम चालकों से तो क्या हो जाएगा पी ए
रेशियो पी बी, रेशियो पी सी। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, तो अब बता देंगे ए वन ओपन टेन थीटा वन, ठीक है यहाँ पे वन लिख देते हैं, रेशियो ए टू ओपन टेन थीटा, रेशियो ए थ्री ओपन टेन थीटा। अब देखेंगे कि इसका जो भी वैल्यू दे रखा, ए का आपका वैल्यू दे रखा 0.5, तो रखिए यहाँ पे 1/0.5, रेशियो इसका रखेंगे 2/0.1, तीसरा का दे रखा है 0.2। अब देखेंगे इस रेशियो को आप ब्रेक करिएगा तो क्या हो जाएगा, रेशियो का ब्रेक करेंगे तो 2, 20 और 15 के रेशियो में आएगा, 2, 20 और 15 इससे तो छोटा होगा नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन होगा देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2, 20, 15 राइट आंसर ऑप्शन करेक्ट सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है, निम्नलिखित में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है, तो किसका पाया जाता है, यह है सी का, कार्बन का पाया जाता है, आंसर सी बनेंगे यहाँ पे, कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है और कार्बन का, कार्बन जो है चार रवादार अपरूप होते हैं, जैसे कौन कौन है इसके चार रवादार अपरूप, हीरा है, ग्रेफाइट है ना, ग्राफीन है और फ्लोरीन है। अब देखेंगे ये इक्वेशन दे रखा है, इसके द्वारा पूर्णतः विभाजित करें तो ए का वैल्यू क्या होगा, अब देखेंगे इसके द्वारा विभाजित करना मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा दोस्तों, बस यहाँ पे रखिए इसमें एक्स की वैल्यू 5, इक्वल में यहाँ पे 0 कर दीजिए, ठीक है एक्स की वैल्यू 5 यानी 25 तय कितना हो जाएगा 75 होगा ठीक है, और प्लस में यहाँ पे रखेंगे हम लोग 5a और प्लस 4 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 79 हो जाएगा, 79 उधर माइनस में हो जाएगा है ना, 79 माइनस में अपॉन में आ जाएगा 5, इसको आप डिवाइड करोगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, और वो कितना हो जाएगा माइनस में 15.8 आ जाएगा, यानी आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ठीक है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक दे रखा है, कह रहा है कि दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल साइकिल कुल गाड़ियां 2017 के जो शुरुआती 6 महीने में शहर एक्स में हुए पंजीकरणों की संख्या हजारों में बताते हैं, तो सूचना है कि चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है, दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है, तो दी गई आंकड़ों के आधार पर जनवरी से लेकर के अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों की पंजीकरण संख्या क्या होगी, ये हमें बतानी है, तो बाकी गाड़ियों की पंजीकरण संख्या क्या हो जाएगी, जनवरी से दूसरी गाड़ियों की संख्या यहाँ पे हम देख लेंगे कितनी है, देखिए ये सभी हजार में दे रखे हैं आपके, ठीक है ना दोस्तों, ये आप जो देख रहेंगे 15, 20, 25 ये सभी हजार में है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जनवरी है ना, यहाँ पे जनवरी है, जनवरी से दूसरी गाड़ियों की संख्या जो कितनी है, तो वो है 27,000, ठीक है कितनी है 27,000 देख रहे होंगे, 27,000 और माइनस आपको करना है 21,000, तो कितने हो जाएंगे 27 में से एक घटाएगा तो 6,000 आ जाएगा, सीधे यहाँ पे लिख दिए 6,000, वो कैसे आया तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि अप्रैल से दूसरी रेलगाड़ी की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 35 में से 20 घटा दीजिए, 35 में से 20 यानी 15,000 15,000। अब बढ़ी हुई पंजीकरण संख्या कितनी है, तो ये 15 से कितना बढ़ी है, तो ये 6 बढ़ी है, यानी कितना बढ़ी हुई है 15 से 6 हमारे पास आई, तो 15 में से 6 घटा दीजिए यानी 9,000 बढ़ी हुई है, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर देखिए 9,000 ऑप्शंस में है, ऑप्शंस आपके करेक्ट आंसर डी बन जाएंगे 9,000। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन नहीं है बता दीजिए, ये तो है आपका, ठीक है ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये भी है, ये भी है, यानी ये तो नहीं निकलेगा, ये 2√ अंदर में रह जाएगा 2 दोस्तों, तो ये परिमेय नहीं हुआ। नीचे दी गई भिन्न में किस में जो है 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाएगा, अब देखिए हमें नहीं पता कि वो कौन सी संख्या है, इसमें हम 5/8 को ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाती है 1, क्या आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो बिल्कुल आपको सॉल्व करने हैं, ये प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा, इसे हटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 5/8, ठीक है ये करिए तो 8 में से 5 यानी 3/8, देखिए ये आंसर है क्या 3/8, तो ऑप्शंस इसमें आपको कोई नहीं दिख रहे हैं क्या 3/8, तो आप 3/8 नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें 2 से मल्टीपल कर लीजिए, हम बोथ साइड कर सकते हैं ना, उसे कोई दिक्कत नहीं, 6
और 8 दूना 16, 6 और 16 भी हो सकते हैं, यानी हाँ है आंसर, सी करेक्ट होगा। फिर उसको छोटा करिएगा तो उतना ही आएगा। देखिए कह रहा है कि चचेरे भाई की वर्तमान आयु का युग 46 वर्ष है, 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से 2 गुनी थी, बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है ये हमें बतानी है। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है, हम मान लेते हैं बड़े चचेरे भाई की उम्र जो है 1 है, तब छोटे भाई की वाई बड़े वाले को एक्स छोटे वाले को वाई लेते हैं। ओके अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस वाई मतलब दोनों का योग कितना है 46, ये तो दे रखा है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं इसे। अब बोल रहा है ना कि 8 साल पहले मतलब एक्स माइनस एट करेंगे, यहाँ पे वाई माइनस एट करेंगे तो कौन 2 टाइम्स हो रहा है, कौन 2 गुना हो रहा है, तो ये हो रहा है छोटा वाला, ठीक है, बड़े 2 गुना हो जा रहा है, मतलब इक्वल करने के लिए छोटा में हमें करना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सीधे हम लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन, क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू वाई इक्वल आ जाएगा आपके पास 8। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया दोस्तों, एक्स माइनस टू वाई इक्वल 8। अब देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से, क्या हम इसे लेकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोनों को घटा के, तो यहाँ पे लिख दीजिए जस्ट एक्स प्लस वाई इक्वल 46। अब दोनों को घटा दीजिए तो माइनस माइनस माइनस, एक घट कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 3y यहाँ पे हो जाएगा, 3y इक्वल हो जाएगा कितना, तो 46 में 8 घटा लो, ये माइनस में है आपके पास दोस्तों 8, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 54 हो जाएगा ना, 54 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो कितना 1 और 8, यानी कि आपका आ गया वाई छोटे वाले की वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया, छोटा का 18 आ गया। तो हम बड़े का भी निकाल सकते हैं, बड़े का भी निकाल सकते हैं, 46 में से 18 घटा दीजिए यानी 28, हमें बड़े वाला का ही निकालना था, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू किया गया, कहाँ पर शुरू किया गया, तो आंसर बताएंगे जापान, आंसर बी बनेगा जापान। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि द राजीव आई नो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है, या किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो आप बताएंगे मणिशंकर अय्यर के द्वारा, ऑप्शन बी बताएंगे, एक निश्चित भाषा में इसको जो है ये लिखा गया है, ठीक है, अब इसको जो है ये लिखा गया है, तो आपको बताना है एक्टिव को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो आइए एक्टिव को लिख के देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब देखेंगे ए बी आर है, ओ ए डी है, ठीक है ना, अब देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आर आ गया, फिर ए आया है, फिर यहाँ पे बी रह गया, सेम यहाँ पे वैसे करेंगे ऐसे, ठीक है ना, तो आपको भी सेम यहाँ पे ऐसे पहले करना है, पहले आएगा टी, टी से स्टार्ट होने वाला, बस 2 ऑप्शन है, सी यहाँ पे हो जाएगा टी दोस्तों, सी नहीं बल्कि टी होगा, ठीक है, ये सी का सी रहेगा और ए, टी सी ए सभी है, ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे तो ई आना चाहिए, उसके बाद ई आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी कटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। देखिएगा उस विकल्प का चयन करना है जो खाली स्थान को फुलफिल करता है, तो आइए खाली स्थान को कौन फुलफिल करेगा देखते हैं, 14 से 203 है ना, और वो बना रहा है 203 के बाद जो है 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 333। देखिए ये 14 से जो है 203 कैसे हुआ, तो 14 का होल स्क्वायर 196 होता है, ठीक है ना, 196 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, आप 2 से करोगे तो 9, ठीक है, और 8 98 आ रहा है, ओके, ये 98 जो आ रहा है हमारे पास, 98 नहीं बल्कि यहाँ पे आपको करना होगा क्या, कि ये जैसे हमने पहले 196 लाया, ठीक है, 196 में आपको ऐड करना होगा 14 का आधा कितना 7, ठीक है, सीधे 14 का आधा 7 इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 203 आएगा, ठीक, सेम आगे का कंडीशन भी करना है, 16 का होल स्क्वायर करिए 256 और प्लस करना होगा 16 का आधा 8, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 264। देखिए ऑप्शंस कौन से हैं, तो आंसर बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है, जो दर्पण को एम एन पर रखा जाता है, तो नीचे दिए गए दर्शाए गए हैं, बताइए कौन सा बनेगा इसमें, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कौन बनेगा, तो आंसर आप देख रहे होंगे और इसमें बताएंगे आप कौन सा बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट बनेगा।
ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कह रहा है क्या। इस प्रश्न के तीन कथन दे रखे हैं, आइए कथन को हम लोग रीड करते हैं। क्या है कथन हमारे पास, कथन कह रहा है कि सभी सेब फल है, ठीक है, सभी सेब को हम लोग फल बना देते हैं, फल हो गया। अब कह रहा है सभी फल सब्जियां हैं, सभी फल जो है सब्जियां हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि कुछ सब्जियां ताजी है, कुछ सब्जियां जो है ताजी, ठीक है, ताजी है। कह रहा है सभी ताजे, सभी सेब ताजे हैं, सभी सेब जो है क्या ताजे हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा दोस्तों, सभी नहीं है, कुछ कह सकता तो हो भी सकता था, कुछ फल ताजे हैं, कुछ फल जो है, कुछ फल यहाँ पे कुछ फल क्या ताजे हैं, क्या बोल सकते हैं, ये भी नहीं है ना। तो आंसर क्या बना, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण कर रहा है, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला, नीचे दिए गए शब्द में तीन समान है, एक कौन असमान है वो बताइएगा। तो बता देंगे आलसी, निष्क्रिय, सुस्त और फुर्तीला, सबसे इसमें अलग कौन सा दिख रहा है, फुर्तीला ऑप्शन बी होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है, क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो आपको पता है क्या ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों, तो यह ज्ञात किया जा सकता है प्रेरक की धारा, आंसर सी बताएंगे, क्या ज्ञात किया जा सकता है, प्रेरक की धारा, धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा। अगला बताएंगे सिल्वर नाइट्रेट जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाए जाने पर क्या होता है, क्या होता है, तो इसको मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है, आंसर बी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धनायन और दूसरे अभिकारक का ऋणायन आपस में मिलकर डैश बनाते हैं, क्या बनाते हैं आपस में मिलकर, तो आपस में मिलकर एक अघुलनशील आयनिक ठोस बनाते हैं, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए, तो आंसर बताएंगे उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, आंसर राइट आंसर बी बनेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, आंसर ए बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट बताएंगे परागकण, परागण के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आवश्यक नहीं है, परागण के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, तो परागण के लिए जो है आग नहीं आवश्यक है, आंसर बी बताएंगे। पौधा कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है, पौधा कोशिका का पावर हाउस बताइए, तो आंसर बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, आंसर डी बनेगा, किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। देखिएगा कह रहा है कि कैथोड पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एकत्रित होने के क्रम में निम्नलिखित धातु, ये जो हमारे पास धातु दे रखे हैं ये में कौन सही है, बता दीजिए कौन सही है, तो आंसर बताएंगे क्या, यहाँ पे सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, कौन सा करेक्ट है हमारा, बी सही है। धातु की जो क्रियाशीलता श्रेणी में, जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर रहता है कैथोड पर पहले एकत्रित होता है, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, ये तो सिंप्लीफाई है तो ये तो आप बना लोगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ना, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर क्या बनेगा आपका, राइट आंसर आना चाहिए 93/160 आएगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा सी आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से तीन अधिक है तथा दी गई संख्या और उसके अंकों का योगफल का गुणनफल 324 है, तो वह संख्या निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी, यह हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं दहाई अंक x है और इकाई कितना है, x प्लस तीन है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, हमारा दहाई जो है x है और इकाई कितना मान लेते हैं, तो x प्लस तीन है। अब देखिए यार, जो हमारी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 10x और प्लस 3 और प्लस 6, यही ना हो जाएगी, यानी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11x और प्लस 3 हो जाएगी, ये हमारी संख्या आ गई। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 11x और प्लस 3 को हम क्या करते हैं, यदि गुणा करते हैं किससे, तो x किसे करते हैं, x प्लस 6 और प्लस 3 से, है ना, जब गुणा करेंगे दोस्तों तो आपके पास क्या होना चाहिए, 324 होना चाहिए, ठीक है ना, बस यही तो सॉल्व करना है। आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 हो जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22x² और प्लस 39x और प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 324, ठीक है। अब 324 को आप इधर घटा लो तो 9 इसमें से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 22x² और प्लस 39x, तो ये हो जाएगा माइनस में 315 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से गुणनखंड आप निकाल लेंगे, है ना, तो गुणनखंड आप निकालिएगा वो कितना हो जाएगा,
तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे हम ग्रंथखंड के लिए 105 और यहाँ पे लिखिए 22x2 और यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे 105x में से घटा दीजिए 66x माइनस 315, इतना लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कॉमन हो सकता है, इसमें भी कॉमन होगा। ठीक है, चलिए कॉमन करते हैं हम लोग। तो कॉमन आप करोगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x कॉमन कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा 22x और प्लस 105। ठीक है, माइनस 3 कॉमन कर लेंगे इसमें तो आपके पास बचेगा 22x और प्लस 105 इक्वल 0, यानी लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 3 और हो जाएगा आपके पास 22x और प्लस 105 इक्वल 0। तो x माइनस 3 इक्वल 1 लिखेंगे 0, यानी x की वैल्यू 1 3 आ गया और यहाँ से निकालिएगा ये 22x तो ये हो जाएगा माइनस में 105, माइनस में 105 ओपन में आ जाएगा 22। ठीक है, ये तो जो संभव नहीं है क्योंकि माइनस में आए, यानी x की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। जब 3 आ गया तो संख्या हम निकाल सकते हैं, हमारा संख्या कितना था 11x और प्लस 3 था, बस यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो 11x कहने का मतलब 11 3 33 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे 36। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन, देखिए कौन सा बना, 36 वाला। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो संख्या के बीच स्थित होगा वो कौन, तो 35 और 40 के बीच में, वो है 36 आपका है। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत कितना है, 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को जो एक ही छात्र को मिले हैं निकाल दिया जाए तो शेष छात्र का औसत अंक में से एक घटा दिया जाता है, तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा ये हमें बताना है। तो क्या होगा, उच्चतम प्लस न्यूनतम अंकों का योग यहाँ पे निकाल लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं आप क्या कि 52 उच्चतम है और गुणे न्यूनतम 45 में से घटा देंगे हम 50 और गुणे 45 में से घटाइए यानी 44। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2340 और माइनस कर देंगे 2200, यानी कैलकुलेट करोगे तो 140 आएगा। अब औसत निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दो यानी 70। आंसर क्या बनेगा आपका, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2400 रुपये है। इस पर 15%, 10%, 1% के तीन क्रमिक छूट देने के बाद जो है कितना, तो आप बताएंगे 1542.24 बेचा जाता है, तो x का नया मान क्या होगा ये हमें बताना है। x का मान क्या हो जाएगा, तो आइए x का मान निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सभी का परसेंटेज दे रखा है, तो बस यहाँ पे लिखिए 2400 और गुणे हो जाएगा आपका 100 में से 15 घटा देंगे यानी 85 और बट्टे 100 होगा और गुणे कर देंगे 100 में से 10 घटाइए मतलब 90 बट्टे 100 होगा और 100 में से x घटाएंगे तो ये तो इतना ही रह जाएगा, 100 माइनस x ओपन हो जाएगा 100। ये कितने के बराबर है, तो 1542.24 के बदले इधर भी लिख सकते हैं 1542.24 इतना लिख सकते हैं। चलिए अभी इसे सॉल्व करेंगे आप, तो इसे काटिए और आपके पास टोट ये 20 से 20 काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, सीधे हम लिखते हैं यहाँ पे 100 माइनस x लिखेंगे ओपन में 100 हो जाएगा तो इक्वल में कितना हो जाएगा 1542.24 हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। ओपन में कितना हो जाएगा तो आप बता देंगे 204 और गुणे 9 हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो x इक्वल में हो जाएगा आपके पास 1542, सीधे आप इसे काटना दीजिए तो आपके पास 1542 नहीं दोस्तों बल्कि आप काट लेंगे तो कितने आ जाएंगे, सीधे 0.84 यहाँ पे 84 आ जाएगा, सीधे 84 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 16। मतलब परसेंटेज हमें पता करना था ना जो कितना छूट हुआ, तो कितना प्रतिशत हुआ, वो हुआ ऑप्शन नंबर बी 16% का। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 सालों के लिए निश्चित निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर जो है समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है, तो आर का मान क्या होगा ये हमें बतानी है। तो आइए आर की वैल्यू बता लेते हैं कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पी और प्लस पी आर टी होगा, यहाँ पे पी और टी ओपन 100 होगा, ये हो जाएगा कितना पी टी टू ओपन 100 के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा जो अमाउंट हो जाएगा ये इसके इक्वल में आ रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे हम यही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम
पी कॉमन करते हैं तो 1 + r (4/100) होगा, इक्वल में क्या हो जाएगा (pr)(14/100) होगा। चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1 = हो जाएगा 14r/100 और माइनस में हो जाएगा 4r/100। इसे आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 में से 4 घटेगा तो 10r आ जाएगा, 100 काटिए तो कितना आ जाएगा 10, यानी रेट कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, कह रहा है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मुरलेन जो है मिजोरम में है, आंसर ये बनेगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत म्यांमार के बीच में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। मुरलेन नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है तो 1991 में होता है। क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इनमें से किन दो संख्याओं को जोड़ती है, कौन दो स्थानों को जोड़ती है बताइएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है आपको पता है कहाँ, प्रयागराज से हल्दिया तक है, प्रयागराज मतलब उत्तर प्रदेश से लेके हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वो 1680 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो जल मार्ग है इस प्राधिकरण की स्थापना होती है कब, तो 1986 में होता है स्थापना। ठीक, अब देखिएगा पहला तो ये है प्रयागराज टू हल्दिया, फर्स्ट का हमें बताना है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन है तो यह सदिया से डुबरी तक है, आंसर बनेगा बी करेक्ट होगा आपका राइट आंसर, सदिया से डुबरी तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका जो है 1988 इसकी स्थापना जो होती है कब होती है 1988 में है, तो बस 2 साल बाद ही इसकी स्थापना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपको त्रिभुज काउंट करके बता देने हैं कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 12 होंगे। अब बताना है वेन आरेख को हमें चुनना है, ये वेन आरेख को चुनते हैं, कह रहा है क्या यहाँ पे ब्रह्मांड प्लूटो और सौरमंडल, आप खुद बताओगे कि ब्रह्मांड के अंदर प्लूटो और सौरमंडल है, यानी आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या कि दिया गया है इक्वेशंस, आइए हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि किस व्यंजन का अर्थ जो है एफ की माँ सी है, कौन सा व्यंजन का मन है कि एफ जो है एफ की माँ सी है, तो आइए देख लेते हैं एफ की माँ सी कहाँ से निकलेगी। पहले हम लोग को बनाना होगा बाई ऑप्शंस, तो देखेंगे हम सीधे आंसर वाले बताते हैं आपको, यदि ये ऑप्शंस वाले आप बनाएंगे ना ऑप्शंस डी वाला, देखिए एट द रेट का क्या मतलब है, तो एट द रेट का मतलब है कि ए, यहाँ पे अर्थ है कि बी की माँ ए है, मतलब कि सी की माँ कौन है एच है ना, यहाँ पे सी की माँ कौन है एच है, तो देखेंगे एच सी माँ है यहाँ पे एच की। ठीक है, अब कह रहा हैज वाला में देखेंगे तो इसका अर्थ है कि बी की बहन ए है, मतलब कि एच की बहन कौन है, एच की बहन जो है एच जो है एम की बहन है। ठीक है, इसको बहन बना दीजिए। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि फिर यही वाला हैजे वाला है, तो यहाँ पे एम जो है एम क्या है दोस्तों, एम की बहन एफ है ना, एम बहन है किसकी एफ की। अब देखेंगे ये कंडीशन यही ना था कि इससे क्या है, तो बिल्कुल इसकी माँ से रिलेशन है, यानी आंसर डी बनेगा हमारा। देखिए कह रहा नीचे दिया गया 3 समान है एक अलग है, कौन अलग है तो आइए देख लेते हैं QL 17 और यहाँ पे जस्ट इसका विपरीत नहीं है, 17 और -5 = 12 का हो रहा है और ये इसका जस्ट विपरीत है, ये भी जस्ट इसका उल्टा, ये भी जस्ट उल्टा, यानी आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बन गया हमारा राइट आंसर। चलिए अगला बताना है कि बाकी से अलग आकृति को हमें चुनना है, बाकी से अलग कौन सी आकृति है, देखिए सभी से अलग आकृति आप देखेंगे ना तो ऑप्शंस नंबर आपके सी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन सी बनेंगे। बताइएगा माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, माइकोलॉजी बताइए किसका अध्ययन है, तो माइकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है, मर्मेकोलॉजी जो है या किसका है दोस्तों, चींटियों का अध्ययन है मर्मेकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है और कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी होता है, मछली का इक्थियोलॉजी होता है ना और फल का पोमोलॉजी होता है। बताइएगा कह रहा है एक तत्व का जो है कोलाइड जल में उदासीन विलयन देता है, आवर्त सारणी में तत्व ए किस समूह का होगा, कौन से समूह का होगा, तो यह होगा प्रथम समूह का, आंसर ही बनेगा प्रथम समूह का होगा। देखिए पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था दोस्तों पेंडुलम घड़ी का, तो आप बता देंगे क्रिश्चियन जो है ह्यूगेंस किए हैं, आंसर डी बनेगा क्रिश्चियन हुंगेस। हीरे में स्थिर कार्बन अणुओं के बीच किस प्रकार के बंधन होते हैं, किस प्रकार के बंधन होते हैं, तो आंसर बताएंगे कोवैलेंट आबंध होते हैं, कोवैलेंट आबंध आंसर सी बताइएगा। हीरे कार्बन का जो है रवादार अपरूप है, हीरे जो है चतुष्फलकीय संरचना वाला होता है
और हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 2.42 होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए कह रहा है क्या कि जब गहरे समुद्र की मछली समुद्र की सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं ना, जब गहरे समुद्र की मछली को समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो उनके शरीर फट जाती है, क्योंकि उनके शरीर में खून खून जो है किस प्रकार प्रभावित होता है, किस प्रकार प्रभावित होता है, यह प्रभावित प्रवाहित होता है बहुत तेज दाब पर बहता है, इसी कारण आंसर बनेगा, राइट आंसर ये होगा। अगला देखेंगे, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, तो आप बता देंगे यह हो जाएगा आपका 0 डिग्री, आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। अच्छा कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बताइएगा, तो आप आंसर बताएंगे जूल होता है ना, और 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, तो बताएंगे 10^7 अर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक तत्व के लिए संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है कितना है, NH2NP5 हो, तो यह तत्व कौन सा समूह से संबंधित होगा, कौन से समूह से संबंधित होगा, तो आप आंसर बताएंगे हाइलोजन ग्रुप से, आंसर डी बताएंगे हाइलोजन। हाइलोजन जो है रंगीन होता है और यह लवण उत्पादक होता है, ठीक है, हाइलोजन 17वें वर्ग का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कौन सा गैस समीकरण, सही गैस समीकरण क्या है बताइएगा, सही कौन सा है, तो आप आंसर देखेंगे ये फॉर्मूलास होते हैं दोस्तों, तो ये सही है आपके कौन सा, तो P1 × V1 / P2 × V2 = T1 / T2, करेक्ट आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को जो है 10% की हानि होती है, यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 0.1 स्थान तक हमें बताना है कि कितना होगा। चलिए विक्रय मूल्य हम मानते हैं 99 रुपया, ठीक है, हमारा जो है सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा 99, ठीक है, तो न्यू सेलिंग प्राइस हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा 8/11 और गुने 99, 99 इसलिए लिखिए ताकि इससे कट जाए, इसलिए है ना, 8^72, नया हमारा जो सेलिंग प्राइस हुआ वो 72 रुपया हुआ। अब देखिएगा तो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकाल लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखिएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा सेलिंग प्राइस, कितना है नया वाला 72 × 100 और कितना 10% की हानि, यानी कितना हो जाएगा 90, तो इसे काटिए 9×8 = 72 यानी कितना 80 रुपया आ गया क्रय मूल्य, तो नया हमारा क्या हो जाएगा नया विक्रय मूल्य। अब न्यू सेलिंग प्राइस आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 99 रुपया पर निकालेंगे हम, ठीक है, 99 और गुने हो जाएगा 85 upon 100 होगा। चलिए इसे काटते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 84.15 आ गया नया विक्रय मूल्य हमारा, तो अब लाभ कितना होगा, यही ना होगा, 84 और हमने खरीदा था 80 में, मतलब 4.15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 4.15 का किस पे हुआ 80 रुपया पे, गुने 100 कर देंगे तो 20 सौ का और 20 25 चार से इसे काट दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 5.1875% के करीब में आ जाएगा, कह सकते हैं 5.2 के करीब में आ गया, यानी आंसर देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सी बनेगी 5.2, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिए कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का परिमाप बताना है, परिमाप क्या होता है 2πr होता है, बस 2π का π रखना है 2 और π का π, r की वैल्यू 15 है, 15 × 2 = 30 यानी आंसर डी। अब अगला क्वेश्चन देख रहा है कि नीचे चित्र दिया है, कह रहा है कि एन एम पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जिसमें कह रहा है क्या कि ए जो है और बी ये 2 और 3 के रेशियो में, ठीक है, चलिए यहाँ पे ये 2 है और ये 3 है, तो हमें बताना है एंगल एच कितना होगा। देखिएगा एंगल एच को फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे, तो एंगल एच कैसे फाइंड होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ए और बी, इस ए और बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, जब 180 आ गया हमारे पास तो इसका यदि एंगल ए हम देखेंगे तो एंगल ए कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल का सम है 5, तो 5x इक्वल हो जाएगा 180 होगा ना, 5 से काटिए तो 5 × 3 = 15 और यहाँ से 3 × 5 = 36 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36, तो हम किसका निकाल लेते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू निकालिएगा तो 36 × 72 यानी 72 डिग्री एक आ गई, और इसका निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है। अब हमें बताना है क्या कि एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए जो है, क्या हम एंगल यहाँ पे सी बनाते हैं,
सो इक्वल होती है कि नहीं, बिल्कुल एक दूसरे की इक्वल होगी, यानी जब ये 72 है तो एंगल ये भी 72 होगा। अब ये जब 72 आ गया तो ये कि स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, 72 आ गया तो ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पे बनाई 72 और प्लस एंगल एच इक्वल 180, तो एच इक्वल क्या होगा 180 में से 72 घटा लीजिए यानी कितना आ जाएगा 108। आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि हम लोग का कि यदि एक बटन का बहुलक दे रखा है कितना 27 है और इसकी माध्यिका 35 है, तो बटन का माध्य हमें ज्ञात करना है ना, प्रयोग सिद्ध संबंध के उपयोग करते हुए। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बहुलक यानी मोड बराबर आप बोल सकते हैं क्या दोस्तों, बहुलक बराबर होता है 3 × मीडियन मतलब माध्यिका और माइनस होता है 2 × मीन मतलब माध्य। बस यहाँ पे रखिए, तो आपके पास बहुलक दे रखे तो यहाँ पे रखिए 27 इक्वल होगा 3 × माध्यिका 3 और गुने माध्यिका 35 है और माइनस 2 × माध्य, माध्य तो है नहीं, तो 2 आप m भी रख सकते हैं, 2x भी रख सकते हैं, चलिए हम 2x रख के यहाँ पे देखते हैं। ओके अब देखेंगे ये माइनस में है तो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा, ठीक है ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। अब देखेंगे इसमें गुणा कर दीजिए यानी 15 और 9 एक 10 105 में से 27 आप घटा दोगे अपॉन में 2 सीधे लिख दो तो x की वैल्यू आ जाएगा, तो 105 में से 27 घटा दोगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने 78 आ जाएगा, 78 को 2 से डिवाइड करो 36 जा है ना और 19 यानी कितना आ गया हमारा 39, तो हमारा माध्य निकल गया 39 यानी आंसर क्या बन गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए एक कार्य को समाप्त होने कार्य के समाप्त करने में राज है ना सुजय से 2 × तथा रौनक से 3 × समय लेता है, यदि सुजय अकेले उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, आइए यहाँ पे बता दें, देखिएगा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखेंगे कह रहा है क्या पहले राज, ठीक है राज के बाद कौन है सुजय, उसके बाद है रौनक, रौनक। अब देखेंगे यहाँ पे जो दे रखा है समय, हमारे पास टाइम दे रखा है, टाइम का एफिशिएंसी 6 इसका 3 और इसका 2, अब यहाँ पे इसकी क्षमता निकाल लोगे एफिशिएंसी जस्ट इसका अपोजिट होगा 1, 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा। अब देखेंगे तो तीनों के द्वारा मिलकर उसी काम को करने में समय कितना लगा, तो समय अब कुल काम अब बटे तीनों की क्षमता, कुल काम कितना है 6 और गुणे 2, ठीक है कुल काम और तीनों क्षमता कितने हो जाएंगे, तो 3 × 5 = 6 यानी कितने दिन 2 दिन, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है पुद्दुचेरी के लोक नृत्य कौन सा है, बताइए पुद्दुचेरी के लोक नृत्य कौन सा है, तो आंसर बताएंगे गरारी, आंसर ये बनेगा गरारी। सत्रिया, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम राज्य का शास्त्रीय है, सत्रिया जो है कहाँ के है असम राज्य का है, वर्ष 2002 में है ना सत्रिया जो है शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। अगला देखेंगे ये कपालिक कौन से राज्य का है, बता दीजिए कपालिक नृत्य जो है या दोस्तों आपको बता दें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की लोक नृत्य है कपालिक, करगा कहाँ का है ये कॉमेंट सेक्शन में आप बताएंगे दोस्तों करगा कहाँ का है। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार की जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर की राशि कितनी है, कितना है यह तो आप बताएंगे 5 लाख है, आंसर सी बताएंगे कितना है 5 लाख और इसका शुरुआत कब होता है आयुष्मान भारत का तो ये बता देंगे, बस इस भी याद रखेंगे दोस्तों 2018 में शुरू किया जाता है और ये कहाँ से शुरू किया जाता है दोस्तों झारखंड रांची से शुरू किया जाता है, कौन करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ठीक है। अब इसका आरोग्य मंदिर नाम रख दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। अगला देखेंगे कह रहा है कि डॉक्टर यहाँ पे दे रखा है हमारे कथन और निष्कर्ष, कह रहा है डॉक्टर ने अपना शुल्क 2 गुना कर दिया, ठीक है निष्कर्षण पहला देखेंगे कि उसका राजस्व 2 गुना हो गया लेकिन रोगियों की संख्या समान बनी रही, दूसरा है निष्कर्ष क्या उसका राजस्व कम हुआ तो रोगियों की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हो गई, तो आंसर क्या बताएंगे यहाँ पे बताएंगे कि दोनों निष्कर्ष एक और बी दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, आंसर भी बनेगा या तो घटेगा या तो बढ़ेगा है ना। देखिएगा नीचे दिए गए शब्दों को हमें सुलझाएं और असंगत को चुनना, मतलब 3 एक तरह से समान है एक अलग है वो कौन है देखेंगे। देखिएगा ये WCO से एक वर्ड बन सकता है, क्या बन सकता है तो काउ बन सकता है, इससे भी एक बन सकता है LION बन सकता है लाइन, इससे भी बन सकता है वुल्फ बन सकता है, तो इससे क्या बनेगा दोस्तों बताइएगा तो आप बताएंगे टाइगर, टाइगर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने अभी चारों वर्ड्स लिखे हैं इसमें सभी से डिफरेंट कौन है, अब खुद बताओ ये सभी क्या है, ये जो है दोस्तों
आप समझ रहे हैं क्या है? ये सभी के सभी दोस्तों है मांसाहारी, बट ये क्या है? मांसाहारी नहीं है काऊ, यानी आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर ए आपका बन गया। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, कह रहा है क्या यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दे रखा। कथन है पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं, निष्कर्ष है पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, पुराने पत्ते बेकार होते हैं। आंसर क्या बताएंगे? आंसर बोलेंगे ना तो एक और ना ही दो इसका पालन कर रहे हैं ना, आंसर सी बनेगा। देखिए अगला कथन और धारणा है। कथन क्या कह रहा है इसमें कि धूप सेकना विटामिन डी का एक स्रोत है, एक चिकित्सीय सलाह यह इसने मिलता है इसे, ठीक है। धूप सेकना क्या है? विटामिन डी का एक स्रोत है, यह चिकित्सीय सलाह दिया जा रहा है, मतलब डॉक्टर इसको सलाह दे रहे हैं, ठीक है, कोई चिकित्सकीय सलाह दिया जा रहा है। तो धारणाएं क्या है? धूप सेकना विटामिन डी की एकमात्र स्रोत है, लोग शरीर में विटामिन डी प्राप्त करने के लिए एक तरीके से जो है एक तरीके रूप से जो है धूप सेक सकते हैं। तो आंसर क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे केवल इसमें दो धारण कर रहा है ना, आंसर बनेगा राइट आंसर ही। देखिए 14 अप्रैल 2005 को गुरुवार था, तो आपको बताना है 10 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। तो देखेंगे पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितने साल है, 15 से 17 यानी 9 साल, ठीक है, 9 और मतलब टोटल हो जा रहे 12 साल, 9 साल और 3 साल आपका लीप ईयर निकलेगा, तो कितने टोटल 12 साल। अब देखेंगे कि 9 और गुने तो एक करना होगा और प्लस यहाँ पे 3 गुने 2, क्यों? क्योंकि लीप ईयर में 2 ये होता है, अपन 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे 6 कितने हो जाएंगे 15, मतलब एक शेष दिन बचा, ठीक है। गुरु मतलब अब कितना आ जाएगा, शुक्रवार आ गया, शुक्रवार हमारा क्या आ गया तो आप बताएंगे अप्रैल में आ गया, ठीक है। 14 अप्रैल से 10 मई 2017 तक विषम दिनों की अब संख्या निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 16 और प्लस 10 अपन में 5 7 होगा, इसे निकलेगा तो 5 दिन कुल, पहला एक निकला था, ठीक है, और प्लस ये यहां से निकला 5, टोटल क्या ऐड करेंगे 6 दिन आ गया। 6 दिन हम क्या करेंगे दोस्तों, यह 10 मई 2017 को है, यहाँ पे गुरुवार है, ठीक है, गुरुवार में हम 6 दिन प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुरुवार और प्लस 6 दिन आप इंक्लूड करोगे तो आपके पास आ जाएंगे बुधवार, आंसर बनेगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र नहीं है, कौन नहीं है तो आप बताएंगे क्लोरोफिल नहीं है, आंसर ये बनेगा क्लोरोफिल नहीं है यहाँ पे। अगला बताएं, निम्नलिखित में एक द्वि विस्थापन अभिक्रिया कौन नहीं है, बताइए कौन नहीं है इसमें, तो आप देखेंगे कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया जो है Mg3N2+6H2O और ये बनाएगा 3MgOH2+2NH3 बनाएगा, ये आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, और बाद बाकी सभी द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। देखेंगे एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है, बताइए यह क्या है, तो यह हाइलोजन गैस है एक, आंसर सी बनेगा, हाइलोजन ग्रुप का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, कौन सी कर रही है बताइए, तो आप बता देंगे क्या 5 और 10 kg वाले, तो 5 kg वाला गेंद तेजी चल रही होगी, आंसर बी होगा, क्योंकि वो हल्की है तो उसे थोड़ी फास्ट चलेगी। अब बताइएगा एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताना है आपको, जी का वैल्यू लेना है 10 m/s². अब देखेंगे टाइम यहाँ पे क्या होगा हमारा, कोण तो हमारा थीटा कितना होगा 90, क्योंकि जस्ट ऊपर फेंका गया है, लंबवत मतलब 90। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि उड्डयन काल जो निकालेंगे तो ये निकालेंगे 2u sin θ अपॉन हो जाएगा आपके पास जी, बस यहाँ पे रखिए, ये दे रखा आपके पास टर्न, टाइम दे रखा है 10, जी का वैल्यू रखना है 10 m/s, 10, यू बराबर हम लिखेंगे क्या दोस्तों, यू यहाँ से निकल जाएगा तो ये 10 है, ये भी 10 है, 10 हो जाएगा 100, यानी यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हो 100 अपॉन आपके हो जाएंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 50 m/s, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत हमें चुनना है दोस्तों, तो ये गलत देखते हैं कौन है, कह रहा है कि गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, बात सही है, फेनोक्लेथिन जो क्या है सिंथेटिक प्राप्त होता है हमें सिंथेटिक से, जो साबुन के घोले में गुलाबी रंग बनाता है, ये भी बात सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना एक क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति कारण होते, ये बिल्कुल बात गलत है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होती है, ये भी सही है, यानी आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया दोस्तों, यह क्षारीय प्रकृति में नहीं बल्कि ये एसिडी है, मतलब अम्लीय प्रकृति में पाई जाती है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक ग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की हमें गणना करना है, कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब ये घूमेगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो पता है क्या हो जाएगा, वो तो 0 जूल होगा दोस्तों, ये आंसर बनेगा यहाँ पे। वृत्तीय गति में बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बताइए। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है हमें बताना है। प्रबल मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, ये तो बात सही बताया गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक एसिड Na2, अम्ल जो है प्रबल एसिड, ये भी बात सही है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि अम्ल वह रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें स्वाद नमकीन होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो खट्टा होता है ना, कैसा होता है, खट्टा, यानी आंसर मेरा गलत हुआ। खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, ये भी सही है, यानी आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, COVID-19 महामारी प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई, तो गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो बस 15,750 में 14,490 घटाइए तो कितने आ जाएंगे, 1200, यहाँ पे घटाइए 1260 आ गए। किससे घटा है, तो इससे 15,750 से घटा है, और गुणे 100 कर लीजिए, यहाँ पे 10 से 10 काटिए है ना, इसे आप काटेंगे तो कितने टाइम से आ जाएगा, 8%, यानी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप काटिएगा तो। चलिए अगला, कह रहा है कि 16:26:32 का चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है दोस्तों B:C/A होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो बिल्कुल सही से बना पाएंगे। बी कौन है, तो बी ये है, और सी कौन है, तो 32, क्योंकि ए होता है पहले, बी होता है फिर सी, तो यहाँ पे रखिए बी कितना है, 26 × 32 ओपन हो जाएगा 16 से काटिए 2 टाइम्स में, 26 × 52 आंसर डी बन जाएगा। कह रहा है निम्नांकित जो है पाई चार्ट 1800 छात्रों को प्रदर्शन ग्रेड में दिखाया गया है, तो ग्रेड सी प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कितने अधिक छात्र ने ग्रेड बी प्राप्त किए। देखिए ग्रेड यहाँ पे बी है और ग्रेड सी से तुलना बस करना हमें। कह रहा है कि ग्रेड सी प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कितना अधिक ग्रेड बी प्राप्त किए, कितना अधिक प्राप्त किए हैं, तो मात्र 3 ही तो अधिक प्राप्त किए हैं, किससे 3 अधिक प्राप्त किए हैं दोस्तों, तो आप बता देंगे, ये 24 वाले है ना टोटल, 24 वाले से हमें निकालना है कितना, 100% टोटल कितना, 1800 बच्चे के लिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यानी कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा है ना। तो बी ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निकाल दीजिए, 27/100 हो जाएगा, और गुणे 1800, 2 जीरो से 2 जीरो, 27/18 में गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो ये 486 आ जाएगा। अब देख लीजिए कितना अधिक है, 486 432 घटा लीजिए, यानी कितना अधिक है, तो 54 आंसर, आइए देख लेते हैं 54 है क्या ऑप्शन, यस 54 करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए है आपका। देखेंगे, कह रहा है कि यदि 0 डिग्री क्या हो, छोटा हो थीटा से, लेकिन 90 से भी छोटा हो, मतलब 0 से 12 हो थीटा और 90 से छोटा हो, तब आपको बताना है 1 cot θ / 1 tan θ का होल स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा क्या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। तो यहाँ पे आप जब स्क्वायर दे रखा है तो आपको पता है कि 1 cot² को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि cot² इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जैसे ये कॉमन करते हैं तो इसे लिख सकते हैं cot − cot², तभी तो यहाँ पे आया होगा ऐसे, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 cot, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं दोस्तों, cot माइनस हो जाएगा cot² अपॉन में हमने लिख दिया क्या, cot और माइनस 1, इसका होल स्क्वायर है दोस्तों, इतना लिख सकते हैं, क्यों, जब ये 2 रहेगा तो ये कॉमन करेंगे तो इतना ही फिट आ जाएगा हमें, ठीक है। अब देखिए, और प्लस में 1 है आपका, इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप कॉट निकाल लीजिए, ठीक है, 1 माइनस फिर से कॉट आपका आएंगे, ठीक। अब देखिएगा ओपन में आपके पास रहेगा क्या, तो 1 माइनस कॉट रहेगा, 1 माइनस कॉट, और इसका होल स्क्वायर और प्लस में 1, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं इसको इससे। अब देखेंगे ये कॉट का होल स्क्वायर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे कॉट स्क्वायर हम लोग लेते हैं, कॉट स्क्वायर और प्लस में 1, ठीक। अब देखेंगे कि यहाँ पे कॉट स्क्वायर जब आ गया आपके पास और प्लस 1, यानी कॉट स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होता क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर होता है, यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बनेगा
ए बनेगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 32 है, तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू दे रखा है, तो 4abc का वैल्यू हमें बताना है होगा क्या है। तो आइए यहाँ पे हम लोग निकाल के देख लेते क्या हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यदि करते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता होगा, सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, 2 कॉमन कर लीजिए तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए होता है, बस यहाँ पे यही तो रखना है, सभी का वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे आपको पता है क्या दोस्तों, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दे रखा है, कितना इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का दे रखा है, ये वाला पहलू दे रखा है 32, ठीक है, तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग 32, इसका भी वैल्यू दे रखा है 6, 6 का होल स्क्वायर करेगा यानी 36, ठीक है, इक्वल में रखेंगे यहाँ पे 32, ठीक, और माइनस रखेंगे 2, और ए बी और बी सी हमने ऐसा ही छोड़ दिया, ठीक है, ए बी बी सी सी ए ये लिखना, हम सिर्फ ए बी यहाँ पे उसके बदले लिखे, उसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें उस वैल्यू का फाइंड करना ही है। अब आगे देखिए, ये हमारे पास 32 है तो इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 4 यानी 2 आ जाएगा आपके, क्या, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए का वैल्यू आ गया है कितना, 2 आ गया, क्योंकि ये घटेगा तो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। अब देखिए, जब ये वैल्यू आएंगे आपके पास तो आपको फॉर्मूला एक पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल होता है क्या है, तो आप बता देंगे क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है ना, बस यहाँ पे फार्मूला रखिए, तो आप फार्मूला रखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू दे रखा 189, बस यहाँ पे सभी को रखते चलते हम लोग, इसका बस नहीं दे रखा है, इसी का तो हमें निकालना ही है, बस यहाँ पे रखिए 189 माइनस में 3abc होगा, ठीक है, इंटू इक्वल में हो जाएगा 6, इक्वल में 6 है, इंटू हो जाएगा 32 में से 2 घटाइए यानी 30, ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे 3abc यानी हो जाएगा कितना, 189 में से 180 घटा दीजिएगा तो 9, यानी 3 से काटिएगा तो abc का वैल्यू 3 आ जाएगा, जब 3 आ गया तो हमें बताना है 4abc का, यानी abc का है वैल्यू 3 और गुणे 4 करना है, तो इसमें 4 कर दीजिए यानी 12, आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन 12 ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अगला कह रहा है कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने किया, कौन किए थे, तो आंसर बताएंगे विपिन चंद्रपाल जी किए, आंसर डी बनेगा विपिन चंद्रपाल। अगला देखिए कि राजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था, किस शहर में नहीं करवाए थे, तो आंसर बताएंगे जयपुर में करवाए थे, वाराणसी में, दिल्ली में करवाए थे, लेकिन इलाहाबाद में नहीं, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। कह रहा है कि अमित बिंदु वाई से शुरू करता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलते हैं उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, अमित जो है शुरू करते हैं वाई से चलना, ठीक है, वाई से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चलाना, वाई से चला है, ठीक है, उत्तर की ओर कितना 8 किलोमीटर चला, ऊपर जाएगा यहाँ पे वाई बना दीजिए, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है और दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है कितना 12 किलोमीटर गया। अब देखिए जब जाता है फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 11 जाता है, ठीक है, दाएं मुड़कर 11 मतलब नीचे आ गया, जाता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 जाता है मतलब 12 से भी अब आगे जाता है, 15 चला जाता है, ठीक है, ड्राइव करता अंत में वह दाएं मुड़ जाता है, अंत में जो है वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, मतलब ये 11 है मतलब 8 मतलब इसके जस्ट इक्वल में आ जाता है 3 किलोमीटर जाके, ठीक है, 3 किलोमीटर और जेड बिंदु तक रुक जाता है, जेड यहाँ पे है, जेड पे रुक जाता है। अब बिंदु जेड और बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा की ओर कितनी दूरी तय करनी होगी, जेड से वाई तक, जेड से वाई तक जाने में, तो देखिए जेड से वाई तक जाने में उसे पूरब जाने होंगे कितना किलोमीटर, तो आप खुद देखिए ये टोटल 12 है मतलब यहाँ तक 12 है यानी ये कितना इंक्रीज है, मत 3 यानी 3 किलोमीटर, आंसर क्या बताएंगे, देखिए तो आंसर बताएंगे 3 किलोमीटर पूरब की ओर ऑप्शन नंबर बी। देखिए कथन है और निष्कर्ष, आइए कथन को हम लोग रीड करते हैं, क्या है, कह रहा है सभी आलू टमाटर है, आइए यहाँ पे सभी आलू को टमाटर बना दीजिए, सभी आलू टमाटर है। अब कह रहा है कि सभी टमाटर प्याज है, सभी टमाटर प्याज है, कह रहा है सभी प्याज पुस्तकें हैं, सभी प्याज पुस्तकें हैं। अब क्वेश्चन देखिए निष्कर्ष हमारा, कुछ पुस्तकें आलू हैं, कुछ पुस्तकें क्या आलू हैं, बिल्कुल बात सही, कुछ पुस्तकें आलू हैं,
कुछ प्याज टमाटर है, कुछ प्याज जो है क्या टमाटर ये भी है। तो हमारा क्या हुआ, निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एक और दो दोनों पालन किया। देखिए पांच विद्यार्थी कह रहा है, पांच विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ए और बी क्रमशः पंक्ति के बाएं और दाएं सिरे पे है। अब सीधे यहाँ पे पांच व्यक्ति है, यहाँ पे आपको ए और बी क्रमशः ये बाएं ओर, बाएं ओर कौन है तो ए है, और दाएं ओर कौन सा है तो आप दाएं ओर बना देंगे दोस्तों, दाएं ओर बी और बाएं ओर ए, ठीक है यहाँ पे आप बना लेंगे। अब देखिए जब भी आप ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे बी हो गया और ये हमारा ए हो गया दाएं ओर, ठीक। अब कह रहा है कि सी डी के ठीक बगल में और ए के दाएं ओर दूसरे स्थान पे, ए के दाएं ओर दूसरे स्थान पे एक दो, दूसरे स्थान पे सी को बैठा दिए, तो ई और ए के, ई ए के ठीक बगल में बैठा, ई जो है क्या ए के जस्ट बगल में बैठा है, यहाँ बैठा दीजिए। दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे एक ही व्यक्ति होगा क्योंकि चार व्यक्ति तो हो गया, एक बच गया डी, यानी कौन डी, तो देखिए ऑप्शन नंबर में डी कहाँ पे है। अच्छा दाएं सिरे से हमें बताना है कि दाएं सिरे से तीसरे अक्षर पे, तो एक दो तीन तीसरे यही है, हमें डी का तो जरूरत नहीं था इसमें, आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर ए बना सी। नीचे दिए अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है, यदि श्रृंखला के बाएं छोर से, बाएं छोर कहने का मतलब इधर से दूसरे प्रतीक और तीसरे प्रतीक को श्रृंखला दाएं छोर से, ये दाएं छोर से पांचवें और छठे संघटक को एक संयोजन करने पर जो है कौन सा संयोजन बनेगा ये हमें बतानी है। तो दाएं छोर से, बाएं छोर से दूसरा प्रतीक कौन है, तो दूसरा प्रतीक जो एक ये है दूसरा ये है, मतलब दूसरा प्रतीक हमें चाहिए, चलिए दूसरा प्रतीक ले लेते हैं, दूसरा प्रतीक और लेटर जस्ट इसके बाद जी है, ठीक है ये हमने बाएं छोर से लिए। अब कह रहा है दाएं छोर से कौन है, पांचवें और छठा, पांचवें और छठा कौन है, इधर काउंट करिए एक दो तीन चार पांच, पांचवा यही है तो इसको लिखेंगे हेड और ये बी है, ठीक हमने लिख दिया। अब कह रहा है संयुक्त संगठन, तो इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब ऐसा कौन सा है तो ये देख लेते हैं कौन सा है बता दीजिए, तो आप देख रहे होंगे ये कौन सा आगे है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा होगा करेक्ट, देखिए ये बी है ना, तो राइट आंसर बी बन जाएगा। चलिए अगला बताना है, नीचे दिए गए कथन, कथनों से निकाले जा सकने वाले सही निष्कर्ष का हमें चयन करना है, कौन सा सही हो जाएगा देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास सी बड़ा है ए से, सी ए बड़ा और बराबर डी से है, डी बड़ा है जेड से, जेड बराबर भी है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और भी से कौन, भी से बड़ा है और बराबर है के, बस देखिए क्या सी डी के बराबर है, क्या सी डी के बराबर है, बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल गलत होगा, क्या के बड़ा है ए से, क्या के बड़ा है ए से, बिल्कुल नहीं, ये देख रहे हैं इधर भी घुमा यानी ये भी नहीं होगा, ये देखिए सी बड़ा है भी से, यहाँ पे भी है और ये सी है, क्या सी बड़ा है, बिल्कुल बात सही है, यानी इधर तरफ घुमा हुआ यानी ये करेक्ट होगा। आगे भी देखे क्या के बड़ा है डी से, क्या के बड़ा है डी से, तो नहीं देखिए ये इधर भी घुमा है ये इधर भी घुमा है यानी ये भी नहीं होगा, आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, उसे बताइए क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जीन कहते हैं, आंसर सी बनेगा, क्या कहते हैं उसे, जीन कहते हैं। क्रोमेटीन जो है जली का डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि 43.2 किलो जूल जो है उसमें अवशोषित करने के लिए एल्यूमिनियम से बने 800 ग्राम जो है कैलोरी मीटर को कितनी डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए कि एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है 0.9 जूल पर ग्राम के जो है कैलोरी है, तो ये निकाल लेते हैं हम लोग, जूल पर ग्राम ग्राम पर कैलोरी है, तो ये देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहले आपके पास क्यू दे रखा है, मतलब आवेशित ऊष्मा का मात्रा दे रखा है, कितना है 43.2 किलो जूल। अब देखिए एल्यूमिनियम का द्रव्यमान भी दे रखा है 800 ग्राम, तो एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा हम निकालेंगे, यहाँ पे दे रखा है धारिता, तो क्यू इक्वल क्या होगा, अब बताएंगे एस एम और यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे निकालिए हमें निकालना है यही, इक्वल में हो जाए क्यू एस एम, निकालेंगे इसे तो 43.2 × 10³ होगा, अपॉन में होगा 800 × 0.9, इसे आप बनाओगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शंस 60 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ये बनेंगे, तो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बताइएगा ये बनेगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है क्या कि एक ग्रह की परिधि है ना, एक ग्रह की परिधि कितना है,
तो 36,000 किलोमीटर है। यदि यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और उसे एक पूर्ण घूर्णन में 20 घंटे समय लगते हैं तो उसकी मध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर स्थित एक बिंदु की गति क्या क्या होगी, ये हमें बतानी है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्रह की परिधि दे रखा है 36,000, एक घूर्णन करने में लगा समय कितना 20 घंटे, तो आप खुद निकाल लोगे यहाँ पे स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 36,000 अपॉन टाइम कितना ले रहा है 20 घंटे, इसको सेकंड में कर लोगे आप मीटर पर सेकंड में, 20 घंटे और मीटर पर सेकंड के लिए 50/18, बस इसे काटिए, इसे काटिए 0 से 0 है ना, जो कटने वाला है 2 से काटिए, इसे 18 से काट दिए, 18 × 2 = 36, अब ये 2 से 2 times कटे यानी 5, बस 5 बच गया यानी 500 मीटर पर सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। कह रहे क्या, हमारे भोजन में मौजूद कॉफी, पालक, प्याज और चाय ज्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं, कौन सा तत्व प्रदान करते हैं, तो आप बताएंगे फ्लोराइड, आंसर क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर सी फ्लोराइड प्रदान करते हैं ना। अब बताएंगे अगला कि 2 प्रतिरोधकों 8 ओम 24 ओम के समानांतर मतलब पैरेलल में जोड़ा जाता है ना, तो संयोजन को 14 ओम प्रतिरोधकता और 12 वोल्टेज की बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज में जोड़ी जाती है, सीरीज में, तो 8 ओम वाले प्रतिरोधकता की कितनी धारा होगी ये हमें बतानी है। तो आइए पहले जोड़ते हैं हम लोग पैरेलल, है ना, पैरेलल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे R निकलेगा आपका R1 × R2 / R1 + R1 हो जाएगा R2, बस यहाँ पे निकाल ली और प्लस में R3 कर देंगे जो श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। रखिए यहाँ पे कितना 8 × 24 और 8 और 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ठीक है 32 हो जाएंगे और प्लस हो जाएगा 14, दे रखा है ये 14 तीसरा वाला, तो इसे कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा 8 × 32 = 4 यानी कितना हो जाएगा 14 × 6 आपके 20 ओम आ गए, ठीक है ना, 20 ओम आ गए। तो आपके पास दे रखा है क्या, बैटरी है 12 वोल्टेज की, ठीक है, तो आप निकाल दोगे यहाँ पे भी इक्वल क्या होता है, भी इक्वल होता है IR होता है, बस यहाँ पे निकालिए हमें I निकालना है, तो I इक्वल क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, वोल्टेज 12 दे रखा है और हमारा रेसिस्टेंस दे रखा है 20, इसे काटेंगे 2 से 6 और 2 से 10 यानी कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो राइट आंसर सी दिख रहा है, 0 यहाँ पे लगा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी बनेंगे। कह रहा है कि कोई वस्तु अपने विराम x इक्वल 0 मीटर है, टाइम 0 सेकंड चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास जो है 4 मीटर/सेकंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, तो समय 2 सेकंड और 6 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा, यह हमें बतानी होगी। औसत वेग क्या हो जाएगा, देखिए औसत वेग इसका होगा क्या, औसत वेग होगा जब प्रारंभिक हमारा दे रखा है वेग 0, टाइम हमारा 2 सेकंड्स, तो त्वरण निकालेंगे आप एक्सेलरेशन वो 4 मीटर/सेकंड² दे रखा है, तो V1 इक्वल क्या होगा U+AT होगा, रखिए यहाँ पे 0 और +4 × 2 यानी कितना हो जाएगा 8 मीटर/सेकंड, ठीक। अब देखिए U जब 0 है हमारे पास, ठीक है, U जब 0 है तब आप लिखेंगे V2 यहाँ फाइंड करेंगे, तो U+AT होगा, चलिए यहाँ पे निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 + 4 × 6 यानी कितना हो जाएगा 24 मीटर/सेकंड। अब औसत वेग निकालना है 24 और 8 से, तो निकाल दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा औसत V1 + V2 24 और 8 कितने हो जाएंगे 32, 24 + 8 / 2 कर दीजिए यानी 32 को 2 से डिवाइड करिए यानी 16, ऑप्शन नंबर सी बताएंगे 16 मीटर/सेकंड। अगला बताइए, कह रहा बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, बैक्टीरिया की खोज कौन के थे, तो आप बताएंगे लिवेनहॉक, A.V. लिवेनहॉक किए थे, आंसर ये बनेगा। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किए थे, है ना, रेबीज टीका का खोज लुईस पाश्चर, चेचक के टीका एडवर्ड जेनर, DDT पॉल मुलर और रक्त परिसंचरण आपको बताना है कमेंट सेक्शन में किसने खोज किया था। चलिए एक तरंग की जो है स्टॉपिंग प्रभाव न्यूनतम है, किसमें न्यूनतम है बताइए, तो न्यूनतम है यह लाल रंग में कम है, आंसर बी बनेगा, लाल रंग में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 है तो उसका क्षेत्रफल, बहुत ही सिंपल, आपको यदि फॉर्मूला पता होगा तो, है ना, क्या होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 24 है, 24 को 2 times लिख दीजिए, 4 × 6 = 24, 6 से गुणा कर दीजिए 6 × 6 = 24, 6 × 12 = 2 = 14 और √3 = 144 √3 cm². ऑप्शन नंबर ए बता देंगे आप,
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 400 मीटर दौड़ में ए 1600 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, ठीक है। ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल हमें बताना है क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, डिस्टेंस 400 है, ठीक है। देखिए हमारे पास दूरी दे रखा है 400, ए की चाल 1600 मीटर पर सेकेंड है, तो ए का लगा समय कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, काटिएगा इसको तो कितने आ जाएंगे आपके पास 25 सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है 25 सेकेंड। अब बी के द्वारा, तो बी क्या कह रहा है कि इससे 10 सेकेंड ज्यादा, यानी 25 तो है, 25 से 10 मतलब ये 35 सेकेंड ले रहा है ना, 10 सेकेंड से हरा देता है मतलब 35 सेकेंड। अब देखिएगा दूरी तो इतना ही है 400 ही, तो इसकी स्पीड निकालेंगे बी का कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे कि 400 और कितना 15 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब 400 में से 15 घटा लेंगे तो 385 अपॉन हो जाएगा आपका 35, इसको काटिए तो कितने टाइम से आएगा 11 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड इसकी कितना आ गई 11 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 रुपये में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य बता देना है कितना होगा, तो आप बता नहीं दोगे कितना इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, बस इसका 25% क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे। देखिए कैसे, यहाँ पे हमारे पास विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आप फाइंड करोगे, तो अंकित मूल्य हमें यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस इंटू छूट कितना दे रखा हमें नहीं पता, 100 छूट 25%, यानी सीधे घटा दो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग 75, कितना लिख सकते हैं 75/100 होगा इतना, ठीक है। हमें फाइंड करना है अंकित मूल्य, ये मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस इक्वल सीधे आप लिखोगे तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन, नीचे आ जाएगा ये 75 ऊपर में चल जाएगा 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपके पास दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, इतने में बेचा गया है, तो रखिए 65520 इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा कितना, तो 75, इसे काट दी 25 75, 25 4 100, 3 से काटिए इसे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 87,360, 87,360 ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। घड़ी की 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई की नोक द्वारा 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये बताना है। देखिए ये जो घड़ी की सुई है मिनट वाली, ये तो पूरे टच करती है, यानी हमारा रेडियस दे रखा है 2। अब देखिए ये घूमेगी तय सही ना, इस पर घूमेगी, यानी हमारा सर्कमफेरेंस कहने का मतलब परिधि, तो आप बताएंगे 2πr इक्वल आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2πr, 45 मिनट में तय करना है, 45 मिनट में तय करने का मतलब, कहने का मतलब है कि आप सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 45/60 कर दोगे, ठीक है आवर में आएंगे। अब देखिए 2 का 2 22/7, आर की वैल्यू कितना 2 और गुने 45 और 60 इतना रखिएगा, काटिए जो कटने वाले हैं, तो अब काटोगे ये 4 है ये, यानी ये कटेगा 15 टाइम में, 15 से ये काट सकते हो 3 टाइम में, यानी कितना आ गया 66/, या फिर पाई को ऐसे रहने दो, पाई को यहाँ पे छेड़ो ही नहीं, पाई को हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएंगे, हमारे पास सभी पाई में दे रखा है आंसर, तो पाई को रहने देते हैं, हमारे पास आ गया ऊपर में 3 बस, और कुछ तो बचा नहीं, यानी 3π ऑप्शन नंबर क्या बन गया, राइट आंसर बी। कह रहा 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना हो जाएगा औसत, तो आंसर बता देंगे। देखिए 70 और 90 तो कितने हो जाएंगे, 71 है, 73 है ना ये, और 83 और बस एक है 89, इतना ही है टोटल नंबर, 1 2 3 4 5, पाँचों को ऐड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर दीजिए 395/5, ये तो 5 से होगा डिवाइड, यानी 79 ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका करेक्ट। देखिए क्वेश्चन आगे क्या है, कह रहा है कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, किसने लिखा है, तो आंसर बता देंगे, यह लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, आंसर बी बताएंगे, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, इंडियन स्ट्रगल तो यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है, माई एक्सपेरिमेंट बी ट्रू महात्मा गांधी के द्वारा, अछूत कौन और कैसे तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष हुआ था, तो आप बता देंगे आंसर 1975 में, आंसर सी बनेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।